तो हल फ्रेंड एज ने किया रिटर्न मेन इवेंट में और स्पीयर भी लगाएं। चले फ्रेंड्स बात करेंगे इसमें लास्ट में, चलिए स्टार्ट करते हैं रेसलिंग टेक। सबसे पहले बात करते हैं हम शो के स्टार्टिंग में हमको देखने को सेथ रॉलिंस, सेथ रॉलिंस प्रोमो कट करते हैं जो उनका मैच होने वाला था रे मिस्टेरियो उनकी इनके बीच सिंगल सिंगल मैच होने, जो कि पिछले हफ्ते ही रॉ ने एडवर्टाइज कर दिया था कि ये मैच होगा ही। उनके बीच एक बढ़िया सा मैच डिलीवर होता है, दोनों अपने अपने काफ़ी अच्छे मूव्स भी परफॉर्म करते हैं, लाइक सेथ रॉलिंस भी कस्टम लगाते हैं, पेडिग्री लगाते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी होता है, डोमिनिक आते हैं डिस्ट्रैक्शन के कारण बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं हमारे मिस्टीरियो। मिस्टीरियो 619 भी लगाते हैं, फ्रॉक फ्लैश भी लगाते हैं और वो जीतने वाले ही होते हैं इस मैच में, लेकिन डोमिनिक आते हैं, डोमिनिक के कारण वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, सेथ रॉलिंस भी फ़ायदा उठाते हैं और देखा जाए वो जब वो 619 लगा रहे होते तो डिस्ट्रैक्ट होता है डोमिनिक के कारण, डोमिनिक को अटैक करते नहीं, पीछे से रिया रिप्ले अटैक कर देती हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं हमारे साथ फ्रीकिंग रॉलेंस मंडे नाइन मचाया और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो कस्टम लगाते हैं और इस मैच को विक्ट्री ले लेते हैं। एक बड़े से मैच था, उसके बाद डोमोस आते हैं MVP के साथ, आपको पता होमस कितने खतरनाक रेसलर बन चुके हैं और उनका भी एक सिंगल सिंगल मैच होता है और इस मैच में वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं और तहलका मचा कर रख दिया भाई, बहुत धोया उनको और धो के इस मैच में वो फाइनली विक्ट्री तो ले ही लेते हैं। जब से होमस के साथ आए हैं उनका करियर भी अच्छा चल रहा है, अच्छे स्टार हैं होमस। उसके बाद देखने को मिलता है एक और सेगमेंट जो केविन ओवंस अल्फा एकेडमी के साथ मैच था, जो कि ओटिस का सिंगल मैच था और इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्लॉन्ड या बाजी बोल लो ऑस्टिन थ्योरी, बार बार आकर जॉनी गर्गानो को अटैक करते हैं, जॉनी गर्गानो को टॉन्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन भी के कारण इन दोनों के बीच में मैच फिनिश तो बढ़िया निकलता नहीं है, लेकिन एक सुपर की खा लेते हैं भाई हमारे ऑस्टिन थ्योरी जॉनी गर्गानो के अगेंस्ट में। उसके बाद देखने को मिलता है एजे स्टाइल और सोलो सिकार भी होते हैं, एजे स्टाइल और सिंगल सिंगल मैच इन लोगों को दोनों के बीच में देखने मिलता है, हमारे सेमी जॉन थे सोलो सिकाओ थे, एजे स्टाइल सिंगल सिंगल मैच देते हैं और इस मैच में डिस्ट्रैक्शन भी होता है, सोलो सिकाओ भी थे और रिंग साइड पर अटैक भी करते हैं और इन दोनों के बीच एक बढ़िया सा सेगमेंट WWE दिखाया। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है, जो द जजमेंट डे की टीम है वो भाई पूरा मचा बवाल मचा दिया है, वो अटैक करती हैं दोनों के बीच में और एजे स्टाइल को इसलिए अटैक करता है कि वो अपने मेंबर में ज्वाइन करवाना चाहते हैं फिन बैलर, लेकिन एजे स्टाइल को लगता है कि चलो ज्वाइन करो, लेकिन एजे स्टाइल ज्वाइन करते नहीं है और वो स्टैंड टॉल भी करते हैं मेन सेमी मेन इवेंट में और वो उनको अटैक करके वो चीज़ को दिखाते हैं। फिर एक जो मेन शो का मेन इवेंट था जो कि रिडल और डेमन प्रिस्ट के मैच था, इस मैच में दोनों के बीच एक सिंगल सिंगल मैच होता है, डेमन प्रिस्ट अटैक करते हैं वहीं जीत तो कुछ निकलता नहीं है, दोनों मिल के पूरे जजमेंट डे की टीम बहुत बढ़िया से धो देती है। उसके बाद इन दोनों के मैच एक ब्रॉल तो नहीं देखने को मिला लेकिन अटैक इतना धोया कि क्या बताऊँ। उसके बाद एज आते हैं, एज ने रिटर्न किया और एज ने क्या भाई बढ़िया अटैक किया, सबको धो के रख देते हैं और वो आई क्विट मैच के लिए एक्सट्रीम रूल के चैलेंज भी करते थे हमारे डेमन बैलर को यानी फिन बैलर को। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो को, तब तक सब्सक्राइब रेसलिंग टेक यूट्यूब चैनल पर।